मोबाइल रिचार्ज या फास्टैग रिचार्ज या फिर किसी प्रकार का गैस रिचार्ज करते हैं, आपको कैशबैक नहीं मिलती है, तो ऐसे स्थिति में आपको नॉर्मल से पेटीएम, गूगल पे और फोन पे को छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे ऐसा सारा चीज अभी फिलहाल आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको 10% का कैशबैक दिलाने वाला हूँ। मोबाइल रिचार्ज हो या फिर गैस रिचार्ज हो या फिर फास्टैग रिचार्ज हो, किसी भी प्रकार के रिचार्ज में आपको मैं यहाँ पे 10% का कैशबैक दिलाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं क्रिया पगरी भी यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक नए टेक के साथ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस पे आपको 10% का कैशबैक मिलने वाला है। मोबाइल रिचार्ज हो या फिर डीडी रिचार्ज हो या फिर किसी प्रकार का डिश टीवी रिचार्ज हो या फिर किसी प्रकार का आपको फास्टैग रिचार्ज करना हो या फिर किसी भी प्रकार का रूम रेंट देना हो। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो क्रिया पगरी टेक चैनल जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहे हैं उसे दबा दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं अपने फोन के डिस्प्ले पे आ चुका हूँ। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है या फिर आपके फोन में ऐप स्टोर है तो वहाँ पे आपको जाना है। नॉर्मल से आपको सर्च कर देना है यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप। तो फिलहाल मेरे में ऑलरेडी ये डाउनलोड हो रखा है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा, आपको नॉर्मल से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको साइनअप कर लेनी है अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये साइनअप ऑलरेडी है। मैं जो यूज करता हूँ वही मैं आप लोगों के सामने जो यूज किया हुआ अच्छे से जो इसका रिजल्ट मिलता है वही मैं लेकर आता हूँ एप्लीकेशन आप लोगों के बीच में, जो क्योंकि नॉर्मली जो जिंदगी में टेक चलती है हमेशा उसी पे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्ज, डीडीएच, पोस्टपेड रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, फिर आपको लैंड नंबर का देखने को मिल जाएगा, फास्टैग को मिल जाएगा, प्ले स्टोर का जो आपको पे करते हैं किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन पे वहाँ पे भी पे करके आप कमीशन कमा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप इंश्योरेंस का भी करवा सकते हैं जो पे करना होता है अपना इंश्योरेंस के साथ साथ। यहाँ पे रूम रेंट भी आपको भरने का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसे डाउनलोड करिएगा रेफरल कोड जहाँ पे मांगेगा वहाँ पे मेरा वाला आपको फिल कर देना है RMT1003507 जो कि आपको मेरा ये रेफरल कोड है, आपको यहाँ पे फिल करके ही आपको साइन अप करना है। और मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो किसी भी प्रकार का रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड बैलेंस करना होगा, उसके बाद आपको मोबाइल रिचार्ज करिए, डीटीएच करिए, इसके लिए मैं ऐड बैलेंस पे क्लिक कर देना, यूपीआई वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को मोबाइल रिचार्ज करना है, अभी फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक ऑफर आपको दिखाता हूँ जो मेरे को अभी फिलहाल मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना है। तो 186 रुपये का मेरा अभी फिलहाल रिचार्ज करनी है और ये सिम मेरा BSNL को, जो आपको दिखाता हूँ कि BSNL पे कितना कमीशन देती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी ऐड कर लेता हूँ अपना जितना अमाउंट का मेरा रिचार्ज है उतना अमाउंट यहाँ पे फिलहाल मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 186 मैं यहाँ पे ऐड बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सारे जगह से आप पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप पेटीएम या फिर फोन पे ये सब जगह से आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज आपकी कटती है, ना कि वो कैशबैक देती है, प्लेटफॉर्म चार्ज कटती है। तो इसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसी एप्लीकेशन को यूज करना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कि जितना भी मेरा टेक वीडियो रहती है मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, और जो निजी ज़िंदगी में आती है हमारी टेक से प्रॉब्लम या फिर टेक से रिलेटेड वीडियोस तो मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल से देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे से मैंने यहाँ पे ऐड बैलेंस कर दिया क्योंकि इस पे ब्लैक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पेमेंट मेथड नहीं दिखाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, इसके कारण मैं यहाँ पे ब्लैक कर दिया था। तो आपको मैं यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पे मेरा आ चुका और यहाँ पे मैं अपना नंबर डालूंगा नॉर्मल से देख सकते हैं। रिफ्रेश मैं यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दिखाता हूँ कि ऐड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ, अभी थोड़ा नेट स्लो है तो 186 रुपये ऊपर में देख सकते हैं मेरा वॉलेट में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं सिम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस कंपनी का मेरा सिम है। तो मेरा अभी BSNL का है तो BSNL हो या फिर एयरटेल हो, जिस टाइप का आपका हो वहाँ पे आपको नॉर्मल से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर देना है जो आपका नंबर हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल नंबर टाइप करता हूँ, तो चलिए नंबर अब मैं अपना टाइप कर लेता हूँ। नंबर टाइप करने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ पे देख सकते हैं अपना BSNL है, तो मैं अपना फिलहाल एयरटेल है तो यहाँ पे BSNL कर लेता हूँ। BSNL करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल लेता हूँ। अमाउंट डालने के बाद ब्राउज़र प्लान होती है जो कि आपको यहाँ पे प्लान दिखाती है, वहाँ से अपना प्लान सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरा प्लान का आपको लिस्ट दिया जाएगा, आपको जौन सा भी करना रिचार्ज उसे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे नॉर्मल से रिचार्ज हो जाएगा। तो 186 का हमने रिचार्ज कर लिया है।
यहाँ पे डन होते हुए मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 9.60 रुपया, और यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे देख सकते हैं आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 186 रुपये का रिचार्ज हो चुका है। यानी 186 रुपये में आपको 9 रुपये के आसपास देती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपके कैशबैक बचने वाला है। तो जो हमें कमीशन मिलती है वो ट्रांसफर अपने बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं, या फिर ये 10 रुपये है तो 10 रुपये में ऐसे ही करते करते आप जमा करके आप किसी भी को अन्य को भी रिचार्ज मार सकते हैं अपना वॉलेट वाले ही पैसा से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉलेट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 10 रुपये 16 पैसे, इस पर नॉर्मल से मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेन वॉलेट और यहाँ पे AEPS वॉलेट, जो कि आपको यहाँ पे AEPS जो पैसा फिंगरप्रिंट से निकालते हैं वो वाला भी यहाँ पे आपको सुविधा मिलने वाला है। वो वाला बैलेंस रहेगा इधर और वॉलेट वाला इधर रहेगा, उस पर नॉर्मल से क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको ऐड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है अकाउंट, तो मैं अभी ऐड करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे आसानी से बिल्कुल ऐड हो जाती है। फिर यहाँ पे अमाउंट डालो अपना जितना भी ट्रांसफर करना है अपने बैंक अकाउंट में, और नॉर्मल से यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपना यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सर्विस और दिया जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं AEPS होता है, जो कि फिंगरप्रिंट से आप किसी भी कैश विड्रॉवल करवा सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करवा सकते हैं, मिनी असेसमेंट निकाल सकते हैं, डिटेल्स असेसमेंट निकाल सकते हैं, या मूव टू बैंक यानी डायरेक्ट बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप फिंगरप्रिंट से किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे यही बताने वाला हूँ कि ग्राहक सेवा केंद्र आप इस एप्लीकेशन द्वारा खोल सकते हैं और अच्छे कमाई कर सकते हैं, जो कि AEPS सर्विस बोलते हैं इसे, और ये सर्विस अवेलेबल है इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक कभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, आप अगर टेक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नए टेक के साथ, तो अभी फिलहाल बाय।